भाई ये देख सकते हो पार्सल भी जो है भैया का होता रहता है एकदम फटाफट फटाफट, इनका हाथ चलता ही रहता, हाथ रुकता नहीं है। और आइटम सिर्फ आपको मिलेगा सब्जी, कचौड़ी और जलेबी। भाई कोलकाता में सब्जी और कचौड़ी जो है ना वो स्टेपल फूड है। यहाँ पे आपको बड़ा बाज़ार की हर गली में हर जगह आपको सब्जी कचौड़ी मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो कलकत्ता वालों का जो नाश्ता होता है वो सब्जी कचौड़ी ही होता है। तो बोल भाई फूडी ने ये स्पॉट डिस्कवर किया। गाइस सिर्फ दो आइटम इनके पास में है, सब्जी है, कचौड़ी है और जलेबी है। और भाई छोटी सी दुकान है, 2x2 की दुकान है, मतलब आदमी दुकान के अंदर खड़ा भी नहीं हो सकता। और इतना अच्छा ये सब्जी कचौड़ी बनाते हैं और भीड़ लगी हुई रहती है हमेशा। गाइस हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है। मैं आपको कैमरा टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है। दुकान तो 50-60 साल से करीब है। पहले कौन सा दादा था? पहले मेरे चाचा थे, पापा थे, दादाजी थे। दुकान पर कोई नाम नहीं है? संतोष, हाँ नाम नहीं है लेकिन दुकान का नाम संतोष चाट सेंटर है। बिना दुकान के नाम के मैंने चल रहा है, बोर्ड लगा नाम है, ऐसे बोर्ड नहीं लगा हुआ है। सुबह में सब्जी कचौड़ी जलेबी रहता है, शाम में चाट रहता है। फसल लेके जाते रहते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया भैया का हाथ जो है हमेशा चलता रहता है, हाथ कभी खाली नहीं रहता है। तो ये स्पॉट जो है बोल भाई फूडी ने डिस्कवर किया है। गाइस कलकत्ता में बहुत जगह सब्जी कचौड़ी मिलता है। गाइस सबका प्राइसिंग अलग अलग है लेकिन मेरे को सबसे सस्ता जो है कचौड़ी यहीं का लगा। और भाई छोटी सी दुकान लेके भैया बैठे हैं, दुकान पे कोई नाम भी नहीं है और करीबन 40 से 50 साल से ये सब्जी कचौड़ी बना रहे हैं। तो भाई ये प्लेस तो चेकआउट करना ही है। अब हम भी हमारा एक पत्ता बनवाते हैं और पत्ता बनवाते हैं और उसको फाइनली टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि भाई जो प्लेस हमने डिस्कवर किया वो वर्थ है कि नहीं। और अगर गाइस बात करूँ अगर लोकेशन की तो लोकेशन में आपको बता देता हूँ कैमरा टर्न करके, फूटे काली जो मंदिर है, फूटे काली मंदिर के ठीक सामने जो गली जा रही है उस गली में तारा सुंदरी पार्क है, उसके ऑपोजिट में जो है भैया की छोटी सी दुकान है। तो कैमरा आपको टर्न करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो आइए एक पत्ता हमारा भी बनवाते हैं इनसे। भैया एक पत्ता बना दीजिए ना हम लोग कभी। हाँ खाएंगे। तो ये गाइस देख रहे हो पत्ता लग रहा हमारा डोंगा का पत्ता है। ये आ गई सब्जी, सब्जी के ऊपर में आ गया गाइस काला नमक। और ये देख लो भाई चार कचौड़ी। भाई क्या गजब कलर है भाई, देख सकते हो सब्जी है, कचौड़ी है और संग में नमक डाला हुआ है। और हम एक जलेबी भी लेंगे। भैया जलेबी भी दे दीजिए इसके ऊपर में। तो गाइस सब्जी, कचौड़ी और जलेबी जो हमारी आ गई है, दुकान भैया की छोटी सी है तो वहाँ खड़ा होके खाना इज नॉट पॉसिबल। तो मैं गाड़ी पर लेकर आ गया हूँ। और भाई जो कलर जो दिख रहा है और जो प्राइसिंग है भाई, 5 रुपया के अंदर में जलेबी है और 4 पीस सब्जी कचौड़ी। अगर मैं आपको दिखाऊं कैमरा पे तो 4 पीस सब्जी कचौड़ी है गाइस, इसका प्राइस है 20 रुपीज़। तो भाई 20 रुपीज़ के अंदर में 4 सब्जी कचौड़ी और वो भी साइज कचौड़ी का इतना बड़ा, भाई मैंने तो अभी तक नहीं खाया कलकत्ता में। तो बात कम करते हैं, पहले इनका टेस्ट बताते हैं। गाइस जलेबी रखते हैं एक बार साइड में, पहले कचौड़ी का आनंद लेते हैं और आपको बताते हैं क्या स्वाद है इसका। भाई 20 रुपया के अंदर में इतना अच्छा स्पाइसी टैंजी और मैंने चटपटा टेस्ट आ रहा भाई सब्जी कचौड़ी का, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। गाइस ये जो प्लेस मैंने खोजा है तो जो लोग को सब्जी कचौड़ी पसंद है और थोड़ा सा स्पाइसी जैसा, मतलब क्योंकि इसके मसाले वगैरह जो है थोड़ा सा तेज है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसी को वो फ्लेवर अगर चेक करना है तो भाई जरूर ये प्लेस में आप लोग को आना है। लोकेशन फिर से बता देता हूँ, फूटे काली मंदिर के ठीक सामने में KN मोबाइल के बगल में छोटी सी दुकान है। गाइस गाइस दुकान के ऊपर कोई नाम नहीं है, संतोष चाट सेंटर है। और भाई मैंने अभी एक बाइट खाया है तो मेरे से वेट नहीं हो रहा है कि मैं आप लोग को रिव्यू दूं कि पहले मैं कचौड़ी खाऊं। भाई एक बाइट और खाते हैं। भाई टू गुड कचौड़ी, टू गुड। जलेबी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, 5 रुपए की जलेबी है लेकिन खाने वाले खाते ही हैं तो मेरे को जलेबी का कोई स्वाद नहीं आ रहा है।
जस्ट खाली वो चाशनी का टेस्ट आ रहा था भाई, 5 रुपए के अंदर में आदमी देगा भी क्या। तो मैं जलेबी उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन खाने वाले कई सब्जी कचौड़ी जलेबी खाते हैं। कैलकटा में ये एक तो पूरा मील हो गया, पूरा ब्रेकफास्ट हो गया लोगों का मात्र 25 रुपया के अंदर में। भाई ऐसे व्लॉग्स और ऐसे आप समझ लो आउटलेट्स, ऐसे हिडन जेम्स जो है आप लोग के लिए खोज के लाता रहूंगा। तो भाई प्लीज फॉलो करें बोल भाई फूडी को, सब्सक्राइब करें। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि मैं कोई प्लेस रेकमेंड करता हूं जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, वो उस प्लेस पे जाते भी हैं, वहां का आइटम टेस्ट भी करते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज भी करते हैं। इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू दिल से। और भाई चैनल पे नए हो, वीडियो अगर देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। आप लोग के लिए ऐसे प्लेसेस मैं जो है खोज खोज के लाता रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज फॉलो बोल भाई फूडी। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू सो मच guys।